सो हेलो गाइस, कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो भाई, ये जो घर है बेसिकली हमारे भाई के यहाँ पर खड़ा रहते हैं। सो भाई, हमने सोचा इसको लेके आज थोड़ा बाहर जाते हैं, बट यहाँ पर आके भाई पूरा स्टोरी चेंज हो गया। सो भाई, हमने देखा एक बाट हमारा फ्लोर पे ऐसे 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 से घूम रहा है। आजा 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 भाई भाई आजा आजा। घर के अंदर ये जो विंडो है थोड़ा बहुत वेंटिलेशन के लिए हमने ओपन करके रखा था। सो भाई, यहाँ से आ गया। एंड भाई, बहुत देर ऑब्जर्व करने के बाद मेरे को पता चला जो बाढ़ है भाई फुल्ली एक्सीडेंटल बाढ़ है। किसी जानवर ने उसको पकड़ने का कोशिश किया बट हमारा घर के अंदर आ गया एंड बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पा रहे थे। एंड बहुत ही ज्यादा भाई उसको डर लग रहा है। सबसे दुविधा का बात तो अभी यही हो गया भाई। देखो, जो बाढ़ है पहला नंबर तो यही है भाई, बाढ़ का साइड का जो एक विंग है टूटा हुआ है। एंड दूसरा बात भाई, अभी रात के टाइम है, मैं चाहूंगी तो भाई उसको बाहर नहीं छोड़ सकते, बिकॉज अगर हम उसको बाहर छोड़ भी दो तो शायद कोई जानवर उसको दिख जाएगा तो भाई उसको खा जाएगा। सो हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते भाई। जितना हो सके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलो भाई, पहले उसको हेल्प करते, आपको दिखाते किस कंडीशन में है वो। सो भाई, अभी तक तो यह पर ही था। सो भाई, पता नहीं भाई कहाँ घुस गया, देखते भाई। वो भाई यह पर तो नहीं है, पर अंदर देखते। सो भाई, यह पर भी नहीं। ओ भाई, मिल गया मिल गया मिल गया। सो भाई, अब देख सकते हो ये बेचारा हमारा सिंक के नीचे कुछ इस तरह कंडीशन में है। एंड बिल्कुल भी, अब देख सकते हो भाई, बिल्कुल भी डरा हुआ है। एंड आप देख के नीचे कमेंट करो भाई, ये जो बाढ़ है कौन सा बाढ़ है। देख सकते हो भाई, शायद मेरे को लग रहा है पिजियन है। एंड बिल्कुल भी भाई छोटा बाढ़ नहीं है, बिल्कुल आप देख सकते हो फुल साइज का बाढ़ है। एंड इस साइड का जो विंग है आप देख सकते हो भाई, ओ भाई इसको शायद मेरे को देख के डर लग रहा है। मैं नहीं चाहता भाई ये देख के और भी डर जाए। आप देख सकते हो राइट साइड का जो विंग है भाई बिल्कुल भी बंद नहीं कर पा रहे थे। शायद भाई मेरे को लग रहा है कोई जानवर इसको पकड़ा था। इसका जो ब्यूटी है भाई असली पता चलेगा भाई फॉरेस्ट के अंदर ही, बिकॉज अभी घर के अंदर है भाई। सो हम पूरे कोशिश करेंगे भाई इसको काल सेफली फॉरेस्ट के अंदर छोड़ देने के लिए। सो भाई, आप देख सकते हो मैं इतना करीब से पहली बार किसी बाट को देख रहा हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो आसपास में भी देख सकते हो भाई, पूरे दिन के टाइम हो चुका है। एंड मैंने सोचा भाई जो बाट है उसको सेफली फॉरेस्ट के अंदर छोड़ देते, बिकॉज फॉरेस्ट के अंदर रहने उसके लिए सेफ है भाई। बिकॉज घर के अंदर रहेगा तो भाई मेरे को भी पता नहीं जो बाट है क्या खाता है नहीं खाता है। सो चलिए भाई, बाट को सेफली पकड़ते हैं एंड उसको सेफली भाई फॉरेस्ट के अंदर छोड़ देते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो जो बाट है भाई बिल्कुल भी अभी भी डरा हुआ है। चलिए भाई, सेफली इसको पकड़ते हैं भाई। ओ भाई, हमने इसको पकड़ लिया भाई सेफली। सो भाई, इसको बाहर छोड़ देते भाई, बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है भाई, देख सकते हो। सो भाई, इसको थोड़ा फॉरेस्ट के अंदर ही ले चलते हैं। एंड बिकॉज इसका जो पार्टनर है शायद मेरे को लग रहा है भाई आसपास ही है। सो भाई, इसको ग्राउंड में तो हम नहीं छोड़ेंगे, इसको यहाँ पर ही छोड़ देते हैं भाई। सो भाई, इसको यहाँ पर सेफली हमने छोड़ दिया। फॉरेस्ट के साथ ही इसको मैच हो रहा है, देख सकते हो भाई। ओ, सेफली सरवाइव कर लिया। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो जो बाट है शायद आपको दिख रहा है भाई वहाँ पर, हमने फ्रीली इसको छोड़ दिया भाई। इसलिए छोड़ दिया बिकॉज घर के अंदर रहेगा तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसका जो विंग है भाई और भी ज़्यादा वीक हो जाएगा एंड कभी भी भाई उड़ नहीं पाएगा। सो हमने इसको भाई फ्रीली फॉरेस्ट के अंदर ही छोड़ दिया। एंड धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते फिर से भाई लायक हो जाएगा उड़ने के लिए। उम्मीद करते हो ये जो वीडियो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट। सो भाई, देख सकते हो भाई धीरे धीरे भाई, मेरे को भी देख के भाई बहुत ही खुशी हो रहा है, बिकॉज फिर से उड़ने लग गया एंड बहुत ही भाई ज़्यादा खुशी हो रहा है। ऐसा कोई भी भाई बाढ़ दिख जाए तो उसको मदद करो भाई, जो नेचर का ही पार्ट होता है भाई। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।